हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 27th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर स्ट्रेस इन आरसीसी बीम के बारे में। एक आरसीसी बीम में शेयर स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूलेस हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। शेयर स्ट्रेस, लास्ट लेक्चर में हमने जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इस लेक्चर में हम शेयर स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे एक बीम सेक्शन में शेयर स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, उसके कंसेप्ट को समझते हैं। इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज नेग्लेक्टेड एंड शेयर फोर्स इज एज्यूम टू बी रेजिस्टेड बाय द बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड द कंक्रीट। क्या होता है, जैसे आपको पता है, ये है हमारा एक बीम का सेक्शन। एक बीम के सेक्शन पर जो है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा होता है कंप्रेशन जोन और नीचे होता है टेंशन जोन। हम क्या करते हैं, शेयर स्ट्रेस को जो है फाइंड करने के लिए हम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले जो कंक्रीट वाला पोर्शन होता है, क्योंकि जो हमारे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जोन होता है वो टेंशन जोन होता है, और टेंशन जोन में स्टील और कंक्रीट दोनों अवेलेबल होती है। हम जो है शेयर स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट अवेलेबल होती है उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि हमारी स्टील और कंक्रीट जो कि टेंशन जोन में अवेलेबल है, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाती हैं और ये इक्वली जो है स्ट्रेस को जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे इक्वली रेजिस्ट करती है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है कॉन्स्टेंट रहती है स्टील और कंक्रीट की टेंशन जोन में और कंप्रेशन जोन में। अकेली हमारी कंक्रीट जो है जो भी स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसे रेजिस्ट करती है। शेयर स्ट्रेस इंक्रीज फ्रॉम जीरो एट द टॉप फेस ऑफ द बीम टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पर आप जो है शेयर स्ट्रेस का एक डायग्राम देख सकते हो। हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो कंप्रेशन एज से लेकर जो है जीरो से स्टार्ट होता है, जहाँ पर शेयर स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पर शेयर स्ट्रेस हमारा जीरो है, और जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है न्यूट्रल एक्सिस तक आने तक। तो न्यूट्रल एक्सिस के बाद क्या होता है, इट रिमेंस यूनिफॉर्म फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द सीजी ऑफ द रेनफोर्सिंग बार्स। जे न्यूट्रल एक्सिस से लेकर स्टील जो होता है हमारा उसकी सीजी होती है वहाँ तक जो है जे शेयर स्ट्रेस बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टील और कंक्रीट इक्वली बॉन्ड बनाकर जो है कॉन्स्टेंट हमारा शेयर स्ट्रेस जो है वो रेजिस्ट कर रही हैं। लेकिन जहाँ पर कंक्रीट पर जो है एक कर्व बन रही है, आप जहाँ पर पैराबोलिक कर्व को देख सकते हो। द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्यू, हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को जो है क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ऑब्टेंड फ्रॉम इलास्टिक थ्योरी इज गिवन एज फॉलोइंग। जो मैंने आपको बताया पीछे थ्योरी, वो इलास्टिक थ्योरी थी जिसमें हमने जो है ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि हमारी कंक्रीट और जो स्टील है दोनों जो है इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड हैं और इलास्टिकली बिहेव कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं एक बीम में, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू वी बाई बी जे डी, जहाँ पर जो है कैपिटल वी है शेयर फोर्स इन बीम एट क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि एक हमारे पास जो है क्रिटिकल सेक्शन, इकोनॉमिकल सेक्शन या फिर बैलेंस सेक्शन है, उसमें जो शेयर फोर्स होगी उसे हम कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं, और जहाँ पर हमारे पास बी है विड्थ ऑफ द बीम और जे है हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ लीवर आर्म और डी है हमारी इफेक्टिव डेप्थ। तो जहाँ पर जो है क्यू हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है बता रही है, हम जो है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 456 2000, यहाँ पर 2000 आना था, शेयर स्ट्रेस ऑब्टेंड फ्रॉम इलास्टिक थ्योरी डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू बिहेवियर ऑफ आरसीसी बीम इन शेयर। क्या होता है कि IS कोड के अकॉर्डिंगली इंडियन स्टैंडर्ड हमारे जे कहते हैं कि इलास्टिक थ्योरी से हम जो है आरसीसी बीम का जो है बिहेवियर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आरसीसी बीम में हमारी जो कंक्रीट होती है वो इलास्टिकली बिहेव नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं जो है जे इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। हैंस इक्वेशन वन हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, जो हमने पहले फॉर्मूला फाइंड किया है उसे हमने जो है सिंप्लीफाई किया अकॉर्डिंग टू दी बिहेवियर। IS कोड रिकमेंड द यूज ऑफ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ बी फॉर दी आरसीसी बीम, जो हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है उसे हम टाउ बी से डिनोट कर रहे हैं। हमारा IS कोड क्या कहता है कि हम जो है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे एक बीम में शेयर स्ट्रेस डिवेलप हो रहा है, जो भी वो रेजिस्ट कर रहा है, उस शेयर स्ट्रेस में जो है शेयर स्ट्रेस का हम लगभग 85-90% का जो है पार्ट हम एक्यूरेटली जो है प्रडिक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कहेंगे। जो हमने पहले वाला फॉर्मूला देखा, अगर हम इलास्टिक थ्योरी से चले तो हम 100% शेयर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा बीम एक जो है 100% इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि उसमें कंक्रीट जो है वो इलास्टिक बिहेवियर नहीं करती है, इसलिए हम जो है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस यानी कि 85-90% तक जो है अपना शेयर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं।
तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को हम टाओ वी से डिनोट करते हैं। टाओ वी का फॉर्मूला हो गया टाओ वी इज इक्वल टू वी वाई बी डी, यानी कि वी हो गया हमारा जहाँ पर कैपिटल वी शेयर फोर्स जो हमारे एक इकोनॉमिकल सेक्शन में बन रही है, और बी होगी हमारी विड्थ और डी होगी इफेक्टिव डेप्थ। तो हमारा आई एस कोड क्या कहता है, हमारा आई एस कोड कह रहा है कि जहाँ पर आप अगर डॉटेड लाइन देखोगे तो हमारा शेयर स्ट्रेस कुछ इस तरह से जो है एक बीम पर एक्ट करता है, जहाँ पर आप डॉटेड लाइन को देख सकते हो, और ये है इलास्टिक थ्योरी की जो स्ट्रेस है बन रहा है उसके बारे में दिखाया गया है। मुझे उम्मीद है कि जे लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करेंगे, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।